इस वक्त दुनिया के कई हिस्से जंग से बुरी तरीके से गुजर रहे हैं। जंग का असर लगभग पूरी दुनिया पर ही देखने को मिल रहा है। व्यापार, पर्यटन, पर्यावरण, हर जगह आपको खेलों पर भी जंग का जो बुरा असर है वो दिखाई दे रहा है। हर जगह कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां पे इस लड़ाई की जो छाप है वो ना पहुंची हो। फ्रांस में भी ऐसा कुछ हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस वक्त ओलंपिक खेला जा रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल महोत्सव कहा जाता है। 2024 में इसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में हो रहा है। पहले से ही ओलंपिक खेलों से उन देशों को दूर रखा जाता रहा है जो किसी भी देश पर कब्जा करते हैं या नरसंहार करते हैं या वहां पे फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन उनका किया जाता है। ऐसे देशों को अक्सर ओलंपिक से बाहर रखा जाता है। गाजा पर इसराइल के आक्रमण से करीब 40,000 नागरिकों की जान भी जा चुकी है। गाजा में जो हो रहा है इन्हीं हमलों के विरोध में मानव अधिकार एक्टिविस्ट और फिलिस्तीन समर्थकों की ये मांग थी कि भाई इसराइल को पेरिस ओलंपिक से बैन किया जाए। लेकिन यूक्रेन युद्ध के विरोध में रूसी और बेलारूस एथलीट को बैन करने वाले पेरिस ओलंपिक संघ ने इसराइल पर ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है और इसी के बाद एक बवाल शुरू हो गया है। इजरायली सेना के गाजा में नरसंहार के विरोध का सामना इजरायली एथलीट्स को करना पड़ रहा है। पेरिस की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और कहीं इजरायली टीम के मैदान में आने के बाद दर्शकों से फ्री फिलिस्तीन के नारों की गूंज भी सुनाई दी जा रही है। इजरायल के खिलाड़ियों को जान से मारने तक की धमकी दी गई है। हद तो तब हो गई जब तजिकिस्तान के एक जूडो खिलाड़ी ने मैच के बाद अपने इजरायली प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया। तजिकिस्तान के जूडो खिलाड़ी नुराली इमोमाली ने रविवार को राउंड ऑफ 16 के एक मैच के बाद अपने इजरायली कंपटीटर तोहार बुटबुल से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया। मैच जीतने के बाद इमोमाली हाथ मिलाए बिना ही रिंग से बाहर चले गए। उन्होंने अल्लाह अकबर कहते हुए एक प्रार्थना का चिन्ह दिखाया जिसे फिंगर ऑफ तौहीद के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक मान्यता में इसका मतलब अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं ये होता है और इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। इसराइल के खिलाड़ियों को इस ओलंपिक में जान से मारने की धमकियां भी मिली हैं। हालांकि फ्रेंच पुलिस और फ्रेंच खुफिया एजेंसियों की स्पेशल यूनिट इसराइली एथलीटों की सुरक्षा में लगातार लगी हुई है। पेरिस अधिकारियों ने कहा कि फ्रांसीसी पुलिस ने पेरिस ओलंपिक खेलों में 3 इसराइली एथलीटों को मिली मौत की धमकियों के साथ साथ एक फुटबॉल मैच के दौरान संभावित यहूदी विरोध की जंग शुरू कर दी है। इसराइल के विदेश मंत्री कैट्स पहले ही अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट को बता चुके हैं कि ईरान उनके एथलीट्स पर हमले की साजिश रच रहा है। ऐसे में इस पूरे पेरिस ओलंपिक पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो लगातार विवाद के घेरे में ये पेरिस ओलंपिक आ रहा है इस पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। नमस्कार।